वर्ग दशम के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज आप गद्य से बाल गोविंद भगत पाठ को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इसमें बाल गोविंद भगत के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, और इसकी सबसे पहले हम आपको रूपरेखा बताना चाहेंगे। बाल गोविंद भगत की जीवनी रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र को सामने रखा है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी वैरागी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार से उत्पन्न होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। खेत की फसल पहले कबीर मठ में ले जाते थे, क्योंकि वे साहब को मानते थे। खेत की फसलों को साहब को समर्पणों परांत प्रसाद रूप में जो उन्हें प्राप्त होता था उससे घर का गुजारा करते थे। पाठ में उनके अटलपन को विशेष रूप से निहारा जा सकता है, जब उन्होंने पतोहू के भाइयों को बुलाकर और आदेश दिया, यह जवान है ... पूर्ण विराम। यहाँ तक ये पाठ की रूपरेखा हुई। अब पाठ का सार देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पाठ का सार इस प्रकार है। सजीव रेखा चित्र में अगर किसी का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है तो वह है बाल गोविंद भगत। यहाँ लेखक ने गांव के एक सच्चे भक्त के सरल हृदय का मार्मिक चित्रण किया है, जो इस प्रकार है। बचपन से लेखक अपने जातीय अहंकार में था। न जाने किस कारण से लेखक के ब्राह्मण होने का अहंकार तेली भगत बाल गोविंद के सामने झुक जाता था। हालांकि बचपन से लेखक के मन में खरा ब्राह्मण होने की झक सवार थी। वह सांध्य आराधनादि के सभी नियमों और सिद्धांतों, हवन, तिलक, चंदन, कीर्तन आदि सबका पालन करता था। लेखक के बचपन में उसे न मालूम था। कि उच्च निम्न का भाव बहुत घृणित है। बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी भगत थे, जो अपने कद में मंझोले गोरे चिट्टे थे, चेहरा सफेद धारी से पूर्ण था। वे कपड़े बहुत कम धारण करते थे। मालूम होता कि गांधी जी के चेले तो शायद नहीं थे। सिर पर कन फटी टोपी होती थी। जाड़े में काली कंबली पहने रहते। माथे पर रामानंदी तिलक सुशोभित रहता था। परंतु फिर वे गृहस्थ थे।
लेखक ने उनके पुत्र और पतोहू को देखा था। भगत को थोड़ी बहुत जमीन के साथ रहने का एक छोटा सा अपना मकान था। बाल गोविंद गृहस्थी करते हुए भी साधु थे। वे साहब को अर्थात कबीर को मानते थे। वे झूठा व्यवहार नहीं करते थे, हमेशा साफ साफ बोलते थे। दान या सहायता स्वरूप भी किसी की कोई चीज नहीं लेते थे। उनकी हर चीज सर्वप्रथम साहब की थी, इसलिए वे खेती की फसल पहले कबीर मठ को सौंपते थे। वहीं से उसे प्रसाद रूप में लाकर घर का गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत मस्ती में मस्त होकर गीतें मुग्ध होकर गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में जब सब लोग मस्त होकर पानी से भरे खेतों में लथ पथ होकर धान रोप रहे होते थे, तब बाल गोविंद अलमस्त होकर गाया करता था। वह कीचड़ में लथ पथ होकर एक एक पौधे को पंक्ति में रोपता चला जाता था, साथ ही अपने भक्ति स्वर को ऊंचा और ऊंचा तान तक उठाता चला जाता था। उसके संगीत से सभी झूम जाते थे। महिलाओं के बोल फूट पड़ती थी। उनके ताल के अनुसार हलवाहे के पैर उठने लगते थे। वातावरण में उनके संगीत का जादू छा जाता था। भादों की अंधेरी रात में भी झिल्ली की झंकार और मेढकों की टर टर के बीच भगत जी की खंजरी डिमक डिमक बज उठती है। वे गाते हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहूक उठे ना। सारा संसार जब सोया रहता था तब भगत जी गाते थे। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक और गर्मियों में भगत का गीत गायन शुरू होता था, जिसमें कार्तिक के प्रारंभ से फागुन तक भगत जी की प्रभातियां शुरू रहती। वे प्रतिदिन प्रातः काल में 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करते तथा गांव के बाहर खंजरी बजाकर गाने टेढ़ने लगते। एक दिन घोर कांपती सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने उसे गाते बजाते देखा था। वातावरण भोर के रहस्य से चादर से थे, या यूं कहा जाए ढका था। भगत लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होने का हो जाते थे। कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे पर पसीने झलकते थे। उनके गाने शुरू होने के बाद महिलाएं गुनगुनाने लगती थीं। गर्मियों की सांझ को उनके घर में उनके कुछ प्रेमी भी आ जुटते थे। तब खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। उनकी प्रेमी मंडली भी उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराती थी। धीरे धीरे भगत जी नाचने लगते और उनके साथी भी नृत्यशील हो जाते थे। आंगन में संगीत नृत्य छा जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनका बेटा मरा। उनका बेटा सुस्त और बोधा सा था, इसलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन वह परलोक सिधार गया। लोग उसके घर पहुंचे। लेखक ने देखा कि भगत जी
का बेटा सफेद कपड़े से ढका हुआ है। कुछ फूल और तुलसी दल उसके सिरहाने रखे हैं। सामने जमीन पर आसन लगाए हुए भगत जी तल्लीन होकर गाए जा रहे हैं। पतोहू का रो रो कर बुरा हाल है। गांव की स्त्रियां उसे संभाल रही हैं, परंतु भगत जी कह रहे हैं यह तो आनंद की बात है। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। उनका यह रूप देखकर लोग दंग थे। इस दुख भरी परिस्थिति में भगत जी ने क्रिया कर्म की रस्में नहीं निभाई। बेटे को आग भी पतोहू से दिलवाई। श्राद्ध होते होते उन्होंने पतोहू के भाइयों को बुलाकर आदेश दिया, यह जवान है, इसकी और कहीं शादी कर देना। पतोहू रो रो कर कह रही थी कि वह उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करेगी, परंतु भगत जी अटल थे, बोले अगर यह घर छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। भगत जी की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। वे प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस पर थी। वे पैदल ही खंजरी पर गाते गाते जाया करते थे। वे घर से खा कर चलते थे और वापस आकर घर में ही कुछ खाते थे। 4-5 दिन की यात्रा थी। इस बार वे वापस लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई, परंतु उन्होंने अपनी नित्य की आदत न छोड़ी। सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान और खेती बाड़ी करते थे। लोगों ने उन्हें आराम के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल गए। उस संध्या भी उन्होंने खूब गाया, परंतु अब लगता था जैसे धागा टूट गया हो। भोर हुई तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। इस प्रकार यह बाल गोविंद रामचरित राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यहाँ समाप्त होता है। और पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नोत्तर आप आगे वीडियो से देखेंगे। तथा एक बात मैं आप लोगों को फिर यहाँ बता दूं कि आज मैं कहीं भी पूर्ण विराम या फुल स्टॉप कॉमा इत्यादि नहीं कहा हूँ। पैराग्राफ चेंज करने के लिए नहीं कहा हूँ। इसलिए नहीं कहा हूँ कि यह एक लेक्चर चल रहा है, एक व्याख्यान मैं दे रहा हूँ, लिखी हुई बातों का, लिखी हुई उत्तरों का। तो इसलिए यहाँ पर आपको मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझा कि कहाँ पूर्ण विराम दूँ, कॉमा दूँ, पैराग्राफ बंद दूँ, क्योंकि आपके पास ये वीडियोग्राफ भी पहुँचने ही वाला है। आप इसको बढ़िया से देख कर मिला कर कहीं कोई त्रुटि हो तो उसको अपने से भी दूर करने की कृपा रखेंगे, प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी पढ़ाई उत्तरोत्तर गति से बढ़ती रहे शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।